अभी अभी भारतीय रेलवे के तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चलिए दोस्तों इस खबर के हम विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रेलवे ने दी गुड न्यूज, अब जल्द ही दोबारा पटरियों पर दौड़ेंगे ये ट्रेनों। कोरोना काल में भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के सहूलियत और परिस्थितियों का देखते हुए न सिर्फ नए स्पेशल ट्रेनों में इजाफा कर रहा है, बल्कि कोहरे की वजह से निरस्त की गई कोई अन्य ट्रेनों भी धीरे धीरे दोबारा बहाल कर रहा है। अब भारतीय रेलवे के द्वारा चार प्रमुख ट्रेनों के दोबारा से बहाल करने की घोषणा की गई है। ये ट्रेन मकर संक्रांति के बाद से यात्रियों को पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगे। उत्तर रेलवे ने इस चारों रेलगाड़ियों को कोहरे की वजह से 16 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अब कुछ दिनों के भीतर ये ट्रेनों यात्रियों को सेवाओं देने लगेंगे। 04674 अमृतसर जयनगर शाहिद एक्सप्रेस स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलती है। आने वाली 15 जनवरी से ये रेलगाड़ियों बहाल कर दिया जाएगा। 04673 जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है। आने वाली 16 जनवरी से ये रेलगाड़ी बहाल कर दिया जाएगा। 04006 आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी स्पेशल, प्रतिदिन चलने वाला ये रेलगाड़ी 15 जनवरी से आपस यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगे। 04005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल, प्रतिदिन चलने वाली ये रेलगाड़ी 17 जनवरी से बहाल कर दिया जाएगा। 01221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से राजधानी नई दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली ये ट्रेनों आने वाले 9 जनवरी 2021 से गलियों रेलवे स्टेशन पर भी रुकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।